बताइए आप लोग सुबह से खड़े हैं भैया। तेजस्वी जी आज आरा जा रहे हैं आप शहीद के परिवारों से मिलने के लिए। शहीद के परिवार परिजनों से परिवार से संवेदनाएं प्रकट करने हम जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। और एयरपोर्ट पे भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी और जो कुर्बानी दी है उनके सम्मान में मान में परिवार को जो संभव मदद मिलेगा एक मजबूती के लिए जो है उनके परिजनों से हम मुलाकात करेंगे। हालांकि एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि जब दे रहा था तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी लेकिन घर जाके हम जो है मिल नहीं पाए, तो इसलिए आज दोनों जगह बीटा में और जगदीशपुर में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके परिजनों से आज हमारी मुलाकात। अच्छा आज पटना में जल जमा मन की बात में बिहार के शहीद कुंदन कुमार का जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से उनके पिता ने कहा कि उनको भी सेना में भेजेंगे, यही शहीद के परिजनों का हौसला है। लेकिन पूरे 33 मिनट के अपने संबोधन में मोदी जी ने एक बार भी चीन का जिक्र नहीं किया, चाइना का जिक्र नहीं किया। अब देखिए ये तो उनकी मन की बात है, अब हम कैसे बता सकते हैं कि वो मन अपनी मन की बात में क्या कहें। हाँ इतना है कि जिस तरीके से उनके पिताजी का बयान आया था हर एक हिंदुस्तानी का जो है सीना चौड़ा हो गया था, फूल गया था। जो मजबूती उनके पिताजी ने दिखाया है शहीदों के उसके लिए मान है सम्मान है। हमारी उनसे बात भी हुई थी और इससे काफ़ी जो है हौसला भी मिलता है और हम लोगों का दायित्व बनता है, आम नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि ऐसे महान सपूत को जिनने जन्म दिया उनके मान सम्मान में कोई कमी ना छोड़े। चीन पे क्या कहना है नहीं कहना है हम लोगों ने अपनी बात जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे कहा है। चीनी जो घुसपैठियाँ जो कायरपूर्ण जो हरकत जो की है उसको लेकर के हम लोग सब हमारी पार्टी जो है भारतीय सेना के साथ है और जो भी कार्रवाई करना हो हम लोग जो है भारत सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन बात जो है बार बार जो निकल के आ रही है जो फिंगर पॉइंट तक जो है चीनी सैनिक जो है पहुंच गए हैं, फिंगर पॉइंट से फिंगर एट तक का जो ज़मीन है वो विवादित ज़मीन है और फिंगर फोर से फिंगर एट के पॉइंट तक जो है भारतीय सेना हमेशा जो है पेट्रोलिंग किया करती है। अब ये बात जो है हम तो नहीं कह रहे, हम तो किसी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं और लेकिन जितने भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको बयानों को हम लोग देख रहे हैं। हमको लगता है कि सरकार को जो सवाल रिटायर्ड आर्मी के जो लोग पूछ रहे हैं अधिकारी पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से उसको लेके थोड़ी स्पष्टीकरण और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा पटना में तस्वीर जल जमाव हुआ है, मंत्री नंदकिशोर यादव के घर के बाहर भी काफ़ी जल भरा है, मंत्री के आवास के बाहर भी काफी मात्रा में जल भरा है, हल्की सी बारिश में ही पटना जो है डूब चुका है। अभी देखिए ना बांध से पूरा उत्तर बिहार जो है खतरे पे है, जो बांध का जो कार्य जो रुका हुआ है पूरा उत्तर बिहार जो है खतरे में है और जल जमाव के कारण जो है सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि जितना जिला हेडक्वार्टर है सब लोग परेशान हैं इससे और डूबने की स्थिति पे आ जाता है। अब रोड है कि नाला के रूप में तब्दील हो जाता है तो नाला का ड्रेनेज का प्रॉपर जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, प्री मॉनसून जो काम कराना चाहिए था सरकार को वो नहीं कराया गया बल्कि करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाया गया और वो पानी की तरह जो बहाया गया रुपया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है। पटना का तो छोड़िए जो ड्रेनेज का जो नक्शा है वही नहीं मिल रहा, पंप हाउस सम्प हाउस कुछ काम नहीं कर रहा और लगातार जो है सबको पता है सरकार के लोगों को पता है कि हर मॉनसून में यही हाल होता है। ठीक 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इस दिशा में उन्होंने क्या काम किया, केवल घोटाला हुआ। आज कल देखा होगा आपने एक पहले के जो अधिकारी रहे हैं केपी रमैया जी उस पर जो है कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया, लेकिन हम पूछना चाहते हैं केपी रमैया वही हैं
जो लैंड ट्रिब्यूनल में भी उनको मेंबर बनाया गया चुनाव हारने के बाद, जमीन घोटाला, सृजन घोटाला मिनिमम 3300 करोड़ रुपए का, ये लोग जो तथाकथित चारा घोटाले का जो लोग जिक्र करते हैं, इतना बड़ा बड़ा अपराध, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, लेकिन सरकार जो है संरक्षण देती है। इसका तार जो है बहुत जगह जुड़ा हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और सभी लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आखिर कोई उड़ीसा के रहने वाले लोगों का यहाँ बिहार में इतना कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, आंध्रा के रहने वाले जो हैं उनका कैसे इंटरेस्ट इतना हो सकता है कि उनका नाम जो है सृजन घोटाले में, जमीन घोटाले में और बिहार के बड़े बड़े घोटाले में आता है, उसके बाद भी एक पार्टी जो है बुला करके उसको टिकट देती है और उसके बाद जो है चुनाव हारने के बाद मेंबर बनाया जाता है लैंड ट्रिब्यूनल का और उसमें घोटाला होता है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार, कोई 55 घोटाले हुए हैं पूरे बिहार में 15 सालों में, किसी बड़े अधिकारी पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बड़ी मछलियों को बचाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि पूर्व में भी हाई कोर्ट के एक जज ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये बोला था कि भ्रष्टाचारियों को पूरी तरीके से संरक्षण मिल रहा है। अब इस पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। जो घोटाले हुए बिहार में, 3300 करोड़ का घोटाला हुआ सृजन घोटाले में, कम से कम आकलन किया जा सकता है इसका 3300 मिनिमम, वो 3300 करोड़ का भरपाई आखिर कौन करेगा, कहां से उसकी भरपाई होगी? जो 55 बड़े घोटाले हुए 15 साल में, हजारों लाखों करोड़ रुपए, उसकी भरपाई कौन करेगा? और चारा घोटाला को ये लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो मात्र 46 लाख का घोटाला था, लेकिन हमको उस पर कुछ कहना नहीं है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन ये सत्ता में जो बैठे लोग जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, बिहार में देखा जाए तो ये जल जमाव जो हो रहा है जिसका सवाल आप लोगों ने पूछा, जब पटना पिछले साल जब डूबा था तो पटना नगर निगम में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ था, उस अधिकारी को भी जो है सरकार ने भगा देने का काम किया, बचाने का काम किया, सब कुछ जानते हुए भी। तो लगातार घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। घोटाले में क्या होता है, जवाब क्या आता है सरकार का? चूहा बांध काट गई, तो चूहा बांध कर दी, ये शराबो चूहा पी जाती है, तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता। इसमें पैसा नुकसान जो है देश बिहार की जनता जो है वो टैक्स पे करके सरकार को देती है, जनता का पैसा का पूरा लूट मचा हुआ है, और आज जनता पूछ रही है कि भाई मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा इतने घोटाले हुए। तो और लगातार ऐसे अधिकारी ऐसे नेता लगातार कायम है सत्ता में जिसपे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो आग्रह करेंगे CBI ED से, हम लोगों ने तो मांग भी की थी विधानसभा में, सबूत भी पेश किया था, सदन पे पटल पे रखा था, सारा खाता दे दिया था, और सरकार को जो पहले ही से पूर्व में संज्ञान था 2008 से, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई हुई? सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया, ना खंडन आया। सरकार ने हमारे पेपर को झूठा भी नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं ये सच्चा डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पेश किया था। तो जनता तो हिसाब मांग रही है कि हमारे पैसे का रिकवरी कैसे होगा, बताएं नीतीश कुमार जी। जिस तरीके से अपराधियों को लेकर कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनके सृजन घोटाले में जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जांच की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं नीतीश को बैकफुट पे, क्योंकि चुनाव होने, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो घोटाला किया है इसके तार बड़े लंबे हैं और बड़ी बड़ी मछलियों को जो है बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, और इसमें ज्यादा कोई माथा पर्ची नहीं लगाना।
बल्कि जो जांच अधिकारी जिसको भेजा भी गया तुरंत आनन फानन में, जैसा कि नीतीश कुमार जी का बिहार के सीएम का कहना था कि हमें संज्ञान में आया, संज्ञान में कब आया, 2017 में आया, हमारे पास तो सीएजी का रिपोर्ट है 2008 का, आरबीआई की चिट्ठी है कि फर्जी तरीके से सृजन जो है अपना बैंक चला रही है, आय से अधिक आर्थिक अपराध शाखा में जो जयश्री ठाकुर जो थे अधिकारी उसको कौन बचाया, लगातार एक ही पद पे एक ही जगह कैसे वो कायम थे जिनका बड़ा हिस्सा सृजन के खाते में था। ये अद्भुत घोटाला, यानी सरकार के खजाना जो है, सरकार के खजाने में जो रखने जो ट्रेजरी है वहाँ खजाना नहीं था, सृजन के खाते में पूरा सरकार का खजाना था। सरकार को जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो सृजन के खाते से लिया करके जो है लैंड एक्विजिशन का काम करती थी। ये तो अद्भुत है, यानी सरकार का पैसा सरकार के पास नहीं, एक निजी एनजीओ के पास था, उसने जो है बिल्डरों को किन किन लोगों को दे रखा था, तो इस पे जो है जवाब देना ठीक है।